हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एल्गोरिथम 1 लिखा था। आज हम इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एल्गोरिथम 2 देखेंगे। सिमिलर टू एल्गोरिथम 1, दिस एल्गोरिथम आल्सो वर्क ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस। एल्गोरिथम 1 की तरह ये एल्गोरिथम भी सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए वर्क करता है। यानी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो फिर ये एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा। द प्रोसेसेस आर पी आई एंड पी जे। हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास जो 2 प्रोसेसेस हैं, एक पी आई है और दूसरा पी जे है। सो प्रोसेस आई के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो कुछ यूं है और प्रोसेस जे के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो कुछ यूं है। अब इस एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हम फ्लैग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि स्टार्ट के ऊपर हम प्रोसेस आई के लिए भी फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं और प्रोसेस जे के लिए भी फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फ्लैग क्या है? बेसिकली यहाँ पर फ्लैग हम एक बूलियन वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है वो सबसे पहले अपने इस फ्लैग को ट्रू करेगा और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से एग्ज़िट करेगा वो अपने इस फ्लैग को फॉल्स कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम प्रोसेस आई को चलाते हैं। लेट्स सपोज हम इस एल्गोरिथम को रन करेंगे फॉर पी आई इन प्रोसेस आई। तो जैसे ही प्रोसेस आई अब इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू। यानी कि प्रोसेस आई अपने फ्लैग को ट्रू कर देगा ये बताने के लिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने जा रहा है। जैसे ही प्रोसेस आई अपने इस फ्लैग को ट्रू करेगा, साथ ही हम वाइल के अंदर एक कंडीशन लिख रहे हैं फ्लैग जे कि इस दौरान जो फ्लैग जे है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फ्लैग जे की वैल्यू क्या थी? फॉल्स। तो अब ये उस वक्त तक फॉल्स रहेगा जब तक हम इस लूप से बाहर नहीं निकल जाते या तब तक जब तक आपका जो प्रोसेस आई है वो इस क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट नहीं हो जाता। अब इसके बाद प्रोसेस आई अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से लीव करेगा वो अपने फ्लैग्स को दोबारा से फॉल्स कर देगा, यानी कि वो बता देगा कि मैं क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर रहा हूँ। तो उसके बाद अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो इसका एल्गोरिथम है प्रोसेस आई का वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। यानी कि जब प्रोसेस आई इस एल्गोरिथम से बाहर निकलेगा तो इसका फ्लैग फॉल हो चुका होगा। अब हम प्रोसेस जे की बात करते हैं। प्रोसेस जे भी उसी तरह से काम करेगा कि जब हम प्रोसेस जे को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले ये अपने फ्लैग को क्या करेगा? ट्रू करेगा। ट्रू करने के बाद साथ ही वो कह देगा कि तब तक फ्लैग आई हमेशा हमारा फॉल्स रहेगा जब तक प्रोसेस जे क्रिटिकल सेक्शन को लीव नहीं करता। फिर प्रोसेस जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा वो अपने फ्लैग को दोबारा से फॉल्स कर देगा। फिर रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला एल्गोरिथम भी कम्प्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो फ्लैग है ये एक नंबर के तौर पर काम कर रहा है जो हमें ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करेगा। तो इस तरह से 2 प्रोसेस एक वक्त के अंदर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, जिससे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। कहते बट इफ़ बोथ प्रोसेसेस एंटर एट द सेम टाइम बोथ स्टक इन द लूप। कि अगर दोनों प्रोसेसेस एक ही वक्त के अंदर अपने फ्लैग को ट्रू कर देते हैं तब हमारे पास प्रॉब्लम आती है। यानी कि हम सपोज करते हैं कि दोनों प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेस आई और प्रोसेस जे एक ही वक्त के अंदर अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं और जैसे पी आई अपने फ्लैग को ट्रू कर देता है और दूसरी साइड पे पी जे अपने फ्लैग को ट्रू कर देता है, यानी कि दोनों प्रोसेसेस ने एक ही वक्त में अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऑकर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर टाइमिंग का इशू होता है कि अगर दोनों प्रोसेसेस एक सीक्वेंस से आएँ तो प्रॉब्लम ऑकर नहीं होगी, लेकिन अगर किसी भी सिनेरियो के अंदर दोनों प्रोसेसेस एक ही वक्त के अंदर इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें या अपने फ्लैग को वो ट्रू कर दें तब हमारे पास अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम ऑकर हो जाएगी। इसलिए ये एल्गोरिथम ज़्यादा अप्रोप्रिएट काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर एरर आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिथम 2 किस तरह से वर्क करता है। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
थैंक यू वेरी मच।